जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अपनी माँ को बिना बताए कहाँ चला गया था तू? आवश्यक कार्य से माँ, नहीं पता था कि मेरा शेर कब इतना बड़ा हो गया कि माँ को बिना बताए केवल एक पत्र लिखकर चला गया। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब भी आपका पालक ही रहूंगा। अरे ये बता, तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरे चले जाने से तेरी माँ के हृदय पर क्या बीतेगी? क्षमा कीजिए माँ, कभी कभी उत्तरदायित्व का हर संबंध हर भावनाओं से बड़ा हो जाता है। समझ सकती हूँ, तू निश्चित ही कोई बहुत बड़ी समस्या के समाधान हेतु गया होगा। देवी पार्वती, क्या हम बीती बातों को भुलाकर पहले की तरह एक साथ नहीं रह सकते इसी घर में? घर का बार बार बदलना बहुत कष्टदायी होता है देवी अनुसुईया। एक स्थान पर रहते रहते व्यक्ति उस स्थान से भावनात्मक स्तर से जुड़ जाता है। वैसी स्थिति में स्थान बदलने से भावना आहत होती है, इसलिए मैं अपने घर पर ही रहना चाहूंगी। बताए माता, आज मित्रशिव ने क्या किया? क्या किया? स्वर्ग से अकेले कल्पवृक्ष लेकर आया। कल्पवृक्ष? कल्पवृक्ष क्यों लेकर आया? पड़ोसन मित्र को वरदान के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता, परंतु दारुका उसे संभाल ना पाई, इसीलिए शिव ने उसे वापस इंद्रदेव को दे दिया स्वर्ग ले जाने के लिए। अच्छा किया, क्योंकि कल्पवृक्ष केवल स्वर्ग में ही सुरक्षित रह सकता है। अच्छा हुआ कि मेरे शिव ने संकट को टाल दिया। देवी अनुसुईया, संकट अभी टला नहीं है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।